नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार का गठन हो गया है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में कई नए सांसद भी भारत सरकार को मिले हैं, जैसे कि हिमाचल के मंडी से कंगना रनौत। कंगना रनौत फिल्मों में अपना दमखम दिखा चुकी है, अब सियासत में कमाल करने के दावे के साथ सफल एंट्री कर चुकी है। लेकिन जैसे ही वो सांसद बनी, वैसे बधाइयों के साथ उनको थप्पड़ भी मिला। पंजाब में मंडी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत पर सीआईएसएफ महिला जवान कुलविंदर कौर ने थप्पड़ बरसा दिए, जिसके बाद इस विवाद में नए नए अंश जुड़ते जा रहे हैं। कोई कंगना को पड़े थप्पड़ को सही बता रहा है तो कोई इसे गलत करार दे रहा है। लेकिन जो लोग इसे सही बता रहे हैं, उनके लिए एक वीडियो हमारे हाथ लगी है, देखिए ये रिपोर्ट। कंगना रनौत को पड़े थप्पड़ की चर्चा भले अब कम हो गई हो, लेकिन इसका समर्थन करने वाले अभी भी सोशल मीडिया पर खूब दिख जाएंगे। और खास बात यह है कि इस थप्पड़ को जायज बताने वाले ज्यादातर कांग्रेस और आप पार्टी को समर्थन देने वाले लोग हैं। दोनों पार्टियां फिलहाल गठबंधन में भी हैं, तो एक दूसरे के बयानों को खूब समर्थन भी दिया जा रहा है। लेकिन जो कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के लोग कंगना को पड़े थप्पड़ का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो राजीव गांधी और सीएम केजरीवाल को पड़े थप्पड़ का भी समर्थन करेंगे? जी हाँ, केजरीवाल को पड़े थप्पड़ की वीडियो तो आप हजारों बार देख चुके होंगे, लेकिन इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भी ऐसे ही हमले का सामना करना पड़ा था। जो कांग्रेसी कंगना को पड़े थप्पड़ को जायज बताते हैं, वो जरा पहले ये वीडियो देख लें। दरअसल राजीव गांधी पर 1987 और 1986 में दो बार अटैक हुए थे। पहला अटैक 31 जुलाई 1987 में श्रीलंका में हुआ था, तब राजीव गांधी श्रीलंका में थे। राष्ट्रपति भवन के सामने गार्ड ऑफ ऑनर रिसीव कर रहे थे कि तभी उन पर पीछे से श्रीलंकाई सैनिक ने बंदूक को उल्टा कर वार किया। हालांकि वह इस हमले में बच गए। उन्हें पहले भी आभास हो गया था कि कोई चीज उनके ऊपर से आ रही है और वह झुक गए। गनीमत रही कि राजीव गांधी की सूझबूझ यहां काम आई। वहीं इस हमले से बेखौफ होकर राजीव गांधी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण पूरा किया और राष्ट्रपति जूलियस जयवर्धने उनके मंत्रियों और अन्य सम्मानित लोगों से विदाई लेने के लिए पास में लगे शामियाने में शामिल हो गए। देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हुआ ये हमला पूरे भारत के लिए रोष की बात थी। किसी भी सम्मानित व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। ऐसे कि कंगना रनौत को भी पसंद करना या ना पसंद करना पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन जिस पद पर अब वो काबिज हो चुकी हैं, उस पद पर उनका ऐसा अपमान शर्मनाक है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि इसी देश के कुछ लोग ऐसी हरकत में सियासी बयानबाजियां कर रहे हैं। सोचिए, आप उस सिक्योरिटी में खड़ी महिला जवान का बस इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि कंगना रनौत अब बीजेपी सांसद हैं और आपका मत उनसे नहीं मिलता। नाराजगी जाहिर करने के तरीके और भी हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि आपने कौन सा वाला चुना है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।